कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हित में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर कांग्रेसियों ने कराहल में जश्न मनाया है। आज ब्लॉक कांग्रेस कराहल ने आदिवासी बस्ती में जाकर के अपने नेता राहुल गांधी को मिली जीत को लेकर के हर्षोल्लास के साथ आनंद उत्सव मनाया। फल और मिठाइयां वितरित कर सबको बधाइयां भी दी। इस मौके पर सचिव MP कांग्रेस कमेटी रविंद्र पाठक, जिला पंचायत सदस्य गीता, कराहल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह, ब्लॉक संगठक दीपक त्रिपाठी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष निकेश कंसल, कांग्रेस उपाध्यक्ष मुनीश मुदगल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन कांशल आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। फिर हो गई सवालों की आंधी, फिर हो गई सवालों की आंधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, तब से प्रदेश भर में ना देश भर में हर्षोल्लास और जुलूस मनाए जा रहे हैं। उसी की तरह यहाँ कराल में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हर्षोल्लास मनाया है, मिठाइयाँ बांटी हैं, फल बांटे हैं। आज हमारे बीच ये मौजूद हैं सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविंद्र पाठक जी, इनसे हम जानना चाहेंगे ये कितने उत्साहित हैं इस फैसले से और ये अपनी इस पूरी फैसले पर अपनी क्या राय रखते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्ध कर दिया कि न्यायालय न्याय का मंदिर होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी एक प्रश्नवाचक लगाया कि गुजरात के न्यायालय न्याय के मंदिर हैं कि नहीं, और एक ये भी बात सिद्ध की है कि न्यायालय संविधान में जनता को दिए गए अधिकार, जनप्रतिनिधियों को दिए गए अधिकार और लोकतंत्र कायम रहे, जो संविधान में जिस तरह लोकतंत्र मतलब चलता है उसी तरह चले, लोकतंत्र की रक्षा हो, यह सब न्यायालय ने सिद्ध मतलब कर दिया। और अब से सर 133 दिन पहले जो आदेश आया था गुजरात कोर्ट से, जबकि दिल्ली से गुजरात 2,500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो ये 24 घंटे के अंदर BJP सरकार वालों ने उस आदेश का पालन करा दिया था। अभी ये 2 किलोमीटर दूर से ही सुप्रीम कोर्ट से जब ये आदेश आया है, तो इसको क्यों अभी तक उन्होंने पालन नहीं कराया, क्यों उनकी संसद की जो सदस्यता है वो अभी नहीं दी गई, उन्हें बंगले भी अभी नहीं दिए गए, इस पर सर आप अपना क्या रखते हो, कौन इसके पीछे है? भाजपा नेताओं में जरा सी भी नैतिकता है, भाजपा के शीर्ष नेताओं में अगर जरा सी भी इंसानियत और न्याय के मतलब प्रति आस्था है, कानून के प्रति आस्था है, तो जिस उत्सुकता से उन्होंने उनका इतनी स्पीड से आदेश आना, मतलब गुजरात से चलकर आ जाना और पद से मतलब पृथक मतलब कर देना, आवास भी खाली मतलब करा देना, ये सब उनने जो ड्रामा मतलब किया, अब जरा सी भी बची है अगर, तो उसी उत्सुकता से और थोड़ी बहुत भी नैतिकता मतलब दिखाते हुए और उसी हिसाब से उन्हें ये बहुत फुर्ती से बहुत जल्दी से ये सब कार्रवाइयाँ, उनको लोकसभा में वापस लाना, उनको आवास वापस देना, ये सब कार्रवाई मतलब करना चाहिए, इस कार्य को अंजाम देना चाहिए। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं BJP सरकार पे कि जो संसद में जो राहुल गांधी जी प्रश्न पूछा करते थे कि जो इतना देश का बजट है वो कहाँ गया है, आपके जो उद्योगपति हैं जो उनके मित्र हैं उनको आप कर्जा देकर क्यों माफ़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखकर उन्हें निशाना बनाया गया था और उन पर ये कि मोदी सरनेम वाला केस दायर किया गया था और उसमें जल्द से जल्द सजा भी करवा दी गई थी, इस पर सर आप क्या जानते हैं, ये सही हुआ था या गलत हुआ था? जनता अपने मत का अधिकार करके और जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन इसीलिए मतलब करती है कि वो जनता के लिए काम करें, और जनता के लिए काम तब कर पाएंगे जब वो लोकसभा में या विधानसभा में अपने मतलब क्वेश्चन मतलब जानकारी लेंगे और मतलब जनता को देंगे, जो काम क्षेत्र के विकास का नहीं हो पा रहा है उस संबंध में बात करेंगे। लेकिन भाजपा को तो ये मतलब बर्दाश्त ही नहीं था, मतलब माननीय राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया तो मतलब मीडिया पर खर्च किए, करते रहे, देश देखता रहा, जनता देखती रही, जब एक सीमा से पार बात हुई तब ये जनता के भी मतलब समझ में आ गया, और अब आने वाले समय में जनता इस बात का लोकसभा में विधानसभा के मतलब चुनावों में मुँह तोड़ मतलब जवाब देगी। इस बार सर लगता है मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है अब से 3-4 महीने बाद, इसमें कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, और सर जीतने के बाद में ये आप बात कह सकते हैं कि विधायक फिर से नहीं टूटेंगे?
पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस की बहुत जोरदार आंधी है, जनता के समझ में आ चुका है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी, विधानसभा में भी, सब जगह मतलब बनेगी, और जनता ऐसे प्रतिनिधियों को अब पसंद ही नहीं मतलब करेगी जो मतलब बिक जाते हैं, और ना कांग्रेस पार्टी ऐसे मतलब सदस्यों को टिकट देगी। अब ये हमारे साथ ये मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस श्योपुर, ये बताएंगे कि ये कितने खुश हुए हैं इस फैसले से, कितना इनमें उत्साह है जो आज ये बस्तियों में जा जाकर उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक तरह से मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जी सर, आप आज हमारे प्रदेश के सचिव बड़े भाई साहब रविंद्र पाठक जी के सानिध्य में आज हमने आदिवासी बस्ती में जाकर सैकड़ों आदिवासी परिवार, महिला एवं बच्चों को एवं बुजुर्गों को आज हम यहाँ पर आए, और सभी में उत्साह देखा गया, और सभी के नारे थे राहुल गांधी, गली गली में नारा है राहुल गांधी हमारा है, सभी लोग अभी कह रहे थे, और उनका एक ही ध्येय है कि अब की बार हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको पहले सजा हो गई, अब सजा पर रोक लगा दी गई, तो क्या लगता है सर राहुल गांधी अब भी उसी फॉर्म में संसद में प्रश्न पूछेंगे और उनकी जो बार प्रश्नों की आंधी है वो लगातार जारी रहेगी? देखो, आपने देखा होगा सोना जितना आग में उसको तपाते हैं तो उतना ही ज़्यादा उसमें कलर आता है, तो उसी प्रकार हमारे राहुल गांधी जी को इतने जो संघर्ष उन्होंने अभी तक उनकी जो जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने संघर्ष इतने किए हैं और उन्होंने इतने आंदोलन किए हैं। अभी आपने देखा होगी उनकी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्रा, उनकी जो स्टेमिना है उनकी और चलने की जो अच्छे अच्छे युवाओं में तक नहीं देखी गई और उनमें देखा गया था, तो ऐसा नहीं है कि उनमें वो हर तरह की क्षमता है उनमें। क्या लगता है, आप कांग्रेस ब्लॉक संगठन के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य गीता जी मौजूद हैं, ये संगठन के साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बहुत यहाँ नारेबाजी की है और यहाँ बड़ी खुशी है राहुल गांधी जी जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और उनकी सांसदी भी अब लगभग वापस आएगी जी, आपको क्या लगता है ये गलत हुआ था या सही हुआ था उनके साथ? ये गलत हुआ था उनके साथ, और अब बीजेपी सरकार में जनता समझ चुकी है कि अब लोकतंत्र में घोटाला हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, और अब जनता समझ चुकी है। साथ ये मौजूद है ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कराल, सर बताइए जी राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है इस विषय पर सर आप अपना क्या राय रखते हैं? राय है कि जनता इस बात को पूर्णता समझ चुकी है कि बीजेपी की जो एकतरफा नीति जो चल रही है दमन की वो गलत है, और आगे जनता जैसे ही इलेक्शन आएंगे लोकसभा और विधानसभा के उसमें मुंहतोड़ जवाब देगी और उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। सर, क्या सर आप अपनी राय रखते हैं इस पर कि जो राहुल गांधी जी को जो राहत मिली है इस पर सर क्या राय रखते हैं आप अपनी? इससे मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी और भावी क्या कहते हैं इसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के, और इससे जनता के बीच में जो स्पष्ट हुआ है वो ये हुआ है कि बीजेपी क्या कहते हैं सभी तरह के षड्यंत्र कर रही है राहुल गांधी जी की सदस्य। क्यों, क्या लगता है इस बार बनेगी कांग्रेस सरकार प्रदेश में? बनाएगी, पंजाई जाओ आगे। अच्छा, पंजाई आगे जाएगा इस बार। क्यों, क्या लगता है आप लोगों को सरकार बनेगी कांग्रेस की? बनेगी। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी नहीं आएगी? आएगी आज जरूर आपकी कांग्रेस आएगी। सभी लोगों में बड़ा उत्साह, ये सभी कह रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस सरकार ही पूर्ण बहुमत से आएगी, कांग्रेस आएगी। आप देख सकते हैं साथ जो हो रहा है, कभी उन्हें सजा दी जाती है, उनकी सांसदी हटा दी जाती है, बंगले भी खाली करा लिए जाते हैं, अब कोर्ट का आदेश आ गया है तब भी उन्हें अभी तक सांसदी उनकी वापस नहीं हुई है, क्या अपनी राय रखते हैं ये कौन के कहने पर ये सब किया जा रहा है? ये तो भाजपा की बात है, ये तो सब राय उसको गलत फहमी पर ला रहे हैं, है ना, और राहुल गांधी की तो अब की कैसे न कैसे कोई चीज़ में उसकी तो विजय होनी है। यानी इस बार आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रदेश में क्या इससे माहौल बनेगा जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो उनके पक्ष में गया है, तो प्रदेश में क्या माहौल बनेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार? नहीं, कांग्रेस की बनेगी साहब सरकार, बिल्कुल बनेगी कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जी के, तो इससे आपको क्या एनर्जी आई है, क्या ऊर्जा मिली है जो आप अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहें?
इसमें पूरे क्षेत्र में भी बड़ा खुशी का माहौल है, सदस्यता बहाल हुई है उनकी, राहुल गांधी जी की, और मेरे में भी, हमको भी, कार्यकर्ताओं को भी बड़ी एनर्जी मिली है, बड़ी खुशी की बात है। और राहुल गांधी इस बार संसद में जाएंगे, संसद में इस बार राहुल गांधी जाएंगे, और क्या प्रधानमंत्री बनेंगे वो? हाँ, इस बार प्रधानमंत्री 2024 में।